सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत आपके चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट बालकों के विषय में, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। ठीक है, क्या होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं रिपीट करूंगी कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बच्चों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी कुछ शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं। यानी कि ऐसे बच्चे आप देखोगे जो किसी प्रकार से चलने में असमर्थ हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, या ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि के हैं, जिन्हें पढ़ाना लिखाना इतना आसान नहीं है, ऐसे बच्चे भी उस कक्षा में आकर के बैठते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं अपनी कक्षा के अपेक्षा। ठीक है, तो कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक होते हैं, कुछ शारीरिक दोषों वाले बालक होते हैं। तो ये सभी बालकों को हम कहते हैं विशिष्ट बालक। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। इन्हें हम अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। तो प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंद बुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोषों वाले बालक होते हैं। इन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ असामान्यताएं एवं विशेषताएं पाई जाती है। इन विभिन्नताओं की चरम सीमा वाले बालक विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। अब विशिष्ट बालकों की क्या परिभाषाएं हैं? देखिए, विशिष्ट शब्द का अर्थ प्रत्येक व्यक्तियों हेतु भिन्न भिन्न होता है। कहीं पर इस शब्द का प्रयोग सर्वगुण संपन्न बालकों हेतु भी किया जाता है तथा कहीं पर यह शब्द असाधारण बालकों हेतु भी प्रयोग किया जाता है। टेलफोर्ड तथा सामरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से लगाया है। अब क्रिक के शब्दों में विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे विद्यालय के सामान्य कार्यों में, विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। यानी कि उन ऐसी दशा में उनके सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। कैसे? आपको पता है कि अगर हमारी कक्षा में कुछ ऐसे बालक हैं जिन्हें देखने में समस्या है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम चश्मे का प्रबंध करें जिससे वो सही से ब्लैक बोर्ड पर देख पाए। ठीक है, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनको हियरिंग मशीन ला करके दी जाए, सरकार की तरफ से दी जाए। ठीक है, ऐसे बच्चे जो घर से स्कूल आने में असमर्थ है अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण, ऐसे बच्चों को जो व्हील चेयर आती है वो मुहैया कराई जाए सरकार के माध्यम से। तो कुछ उनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और कक्षा में भी हमें उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों के लिए। अपनी पढ़ाने के तरीके जो है, अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए, WM क्रुचसिंह के शब्दों में, एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बुद्धिमानी तथा समाज के आधार पर सामान्य बालकों की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो। ठीक है, तो कक्षा में ही ऐसे बच्चे जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के समय ही ऐसे बच्चों को हमारी जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उनको वो समझे। जैसे कि अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें जो बिल्कुल जिन्हें नहीं दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हो उनको पढ़ाना कितना बड़ा चैलेंजिंग है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को हम ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाते हैं और उसके लिए हमें ब्रेल लिपि सीखनी भी पड़ती है। और इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ब्रेल लिपि क्या होती है और कैसे इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हम ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते और हमारी कक्षा में आ रहे हैं तो उनको भी हमें पढ़ाना है। इसके बाद है फोरनेस के शब्दों में, विशिष्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशी क्षमताएं अनोखी हो, अर्थात सामान्यता ऐसे गुण दुर्लभ हो। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बालक कक्षा में जिन्हें देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, बोलने में समस्या है, या किसी प्रकार से शारीरिक रूप से वो विकलांग बालक है, तो ऐसे बच्चों को हम देख करके ही पहचान जाते हैं, बहुत ही आसानी से हम पहचान जाते हैं। ठीक है,
फिर है क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। इसके बाद हैरी वॉकर के अनुसार असाधारण बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगिक और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बार बार विशिष्ट बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से कुछ भिन्न होते हैं या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उनकी शारीरिक क्षमता में, जैसे कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते हैं, ठीक है, या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की समस्या होती है, वो सही से बैठ नहीं पाते या वो लेट नहीं पाते या किसी भी प्रकार की समस्या होती है। मानसिक रूप से यानी कि मानसिक रूप से कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं। संवेगिक रूप से यानी कि ऐसे बच्चे जिनके घरों में बचपन से ही झगड़े होते हैं या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में नहीं बनती है या उन्होंने कुछ जब वो छोटे थे कुछ उन्होंने ऐसी घटनाएं देख ली हैं कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, तो ऐसे बालकों को हम संवेगिक रूप से विकृत बालक भी कहते हैं या जो संवेगों के कारण डरे हुए होते हैं। सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से जो भिन्न होते हैं बालक, सामाजिक दृष्टि से मतलब जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनको कैसे हम सामान्य बच्चों में लेकर के आए, ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और यही सब चैलेंजेस ये जो आप विशिष्ट बालकों को देख रहे हैं इन सबका सामना इनको समाज में करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, अतः कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो कि सामान्य बालकों से भिन्नता तथा शारीरिक व मानसिक विशिष्टता लिए हुए होते हैं। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। तो विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं। अगर ये सामान्य बच्चों की तरह होते तो इन्हें हम विशिष्ट बालक या विशिष्ट विशेष बच्चे हम इनको कहते ही ना। फिर है विशिष्ट बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं। विशिष्ट बालकों को समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। ठीक है, या तो बहुत तेज होती है सामान्य बच्चों से या तो बहुत धीमी होती है। ठीक है, फिर है एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशिष्ट बालक होते हैं इनका विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अगर इन्हें सही से टीचर अच्छे मिल जाएं, इनको हर सुविधा मिल जाए, जैसे कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो IAS IPS तक निकालते हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में ही जो अपनी शारीरिक अक्षमता को उन्होंने पीछे कर दिया अपनी प्रतिभा के बल पर। तो जिनके अंदर प्रतिभा है वो IAS IPS कोई भी अधिकारी रैंक तक वो पहुंच जाते हैं, उनकी शारीरिक विकलांगता कभी भी उनके लक्ष्य में बाधा नहीं उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अगर इन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिले, इन्हें तैयारी का मौका मिले, इन्हें सारी सुविधाएं मिले जो सामान्य बच्चों को मिलती है, तो ये बहुत आगे और बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों का जो विकास होता है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अगर इन्हें सही प्रकार से परिवार का सपोर्ट मिल जाए, टीचर्स का सपोर्ट मिल जाए, हर जगह से सपोर्ट मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। अब आते हैं विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में। देखिए, बाधित बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, परंतु यह आवश्यकताएं क्या हैं इनका पता लगाने के लिए हमें इन बालकों का मूल्यांकन करना पड़ता है। परंतु यहाँ समस्या यह आती है कि यह मूल्यांकन निर्धारण प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ तथा क्रमबद्धता लिए नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक अंदाज अनुमान के अनुसार बालकों की विशिष्टता को ज्ञात कर लिया जाता है, अतः यह गलत है। विशिष्ट बालकों हेतु एक विशिष्ट परीक्षा लेने के पश्चात ही हमें व मनोवैज्ञानिकों को उनकी विशिष्टता को ज्ञात करना चाहिए। इसमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि बाधित अस्थि बाधित श्रेणी की बाधित को बाधित अस्थि बाधित आदि की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण है। बालकों को वर्गीकृत करना एक नकारात्मक प्रवृत्ति एक पद्धति है, अतः बालकों का वर्गीकरण करना अनुचित है। इससे बालकों की अक्षमताओं के बारे में धारणा बन जाती है। अब कोई बच्चा अगर उसका उसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, एक तो अगर आप उसको कक्षा से अलग बैठाओगे तो उसके अंदर उसको उसकी अक्षमताओं को लेकर के उसके अंदर दुर्भावना पैदा हो जाएगी और उसे लगेगा कि मुझे सब अलग कर रहे हैं। ठीक है, यदि बालक बाधित होता है तो अभिभावकों व शिक्षकों को उसके प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन बालकों को सुधारने हेतु अनेक प्रयास करने चाहिए।
तो हमें हम अगर हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। उसी प्रकार से एक जो विशिष्ट बालक होता है उसे भी उसके पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, उसके टीचर्स का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जब सभी लोग उसके प्रति एक सहानुभूति की भावना तो रखेंगे ही, साथ ही साथ उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जो भी उसकी इच्छाएं होंगी वो बताएगा तो उसको करने के लिए तत्पर होंगे, उसको हर वो सुविधा ला करके वो खुद देंगे जिससे वो अच्छा कर पाए अपने जीवन में, तो बच्चा उदासीन नहीं होगा बल्कि वो बहुत अच्छा करेगा अपने जीवन में। बालकों को यह महसूस कराना कि वह बाधित है, यह बालकों में हीनता व निराशा के विचार को प्रकट करता है। इसके बाद देखिए, विशिष्ट बालकों की विशिष्ट समस्याओं को दूर करने हेतु सामान्य व विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है तथा अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार बाधित बालकों के लिए खेलने की सामग्री, अभ्यास पुस्तिका आदि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों को उच्च स्तर की अधिगम सामग्री जैसे कि विश्व शब्दकोश आदि की आवश्यकता होती है, जैसे कि बच्चों को डिक्शनरी की आवश्यकता होती है, जो उच्च श्रेणी के होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अतः विद्यालयों में पूर्ण साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, इससे बालकों की वास्तविक क्षमता तथा कार्य कलापों में अंतर बढ़ जाता है। विशिष्ट बालकों को प्रेरणा तथा आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता तथा अधिगम सामग्री आदि देने हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार सरकार शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को ऐसे अनुदान देने में समर्थ नहीं है। इन्हें इन अनुदानों हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार ने इस प्रकार के अनुदान वापस ले लिए हैं, अर्थात सरकार अनुदान नहीं दे रही है, इसलिए बाधित बालकों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। समय समय पर बाधित बालकों हेतु समस्या बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को आर्थिक सहायता देना, इनको जो हम कहते हैं, जो बच्चों को गांवों में वजीफा मिलता है, जो हम कहते हैं जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, ये जो स्कॉलरशिप होता है ये बहुत जरूरी होता है इन बच्चों को मिलना। ठीक है, वाहन भत्ता यानी कि अगर इनका घर दूर है, वाहन से आ रहे हैं विद्यालय में पढ़ने, विद्यालय घर से दूर है तो उस वाहन का भी भत्ता पे करे सरकार। और इनको पढ़ने लिखने की जो सामग्री है, सीखने की सामग्री जब देगी तभी तो बच्चा सीख पाएगा, जो विशिष्ट बालक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो राज्य सरकार है, यहाँ पर देखिए भारत सरकार की भी बात हो रही है, उतना ज्यादा संसाधन नहीं दे पाती इन बाधित बालकों को, जिसकी वजह से जितना अच्छा होना चाहिए इनका परिणाम वो उतना अच्छा नहीं दिख पाता है, क्योंकि सारी सुविधाएं सरकार नहीं दे पाती है। अब देखिए इसके बाद बढ़ते हैं विशिष्ट बालकों की शिक्षा। ये बच्चे जो विशिष्ट होते हैं ये वही आगे बढ़ पाते हैं, आप देखोगे जिनका परिवार थोड़ा सा सामर्थ्यवान होता है या जिनके पास पैसे होते हैं, जो अपने पैसों से अपने बच्चों को और अच्छा करवा पाते हैं जीवन में। अब देखिए विशिष्ट बालकों की शिक्षा की बात हम करेंगे दोस्तों। देखिए जो बालक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इसमें से कुछ यहाँ पर निम्नलिखित है। तो सर्वप्रथम बाधित बालकों को समाज पहचान नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप यह बालक अपनी कार्य क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं। अतः इन बालकों हेतु सर्वप्रथम तो हमें इन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा पहचानना चाहिए। इसके बाद बालकों को उसी प्रकार के शिक्षण कार्य प्रदान करने चाहिए। पहले ये पहचानना कि आखिर में बच्चा किस प्रकार का है या फिर इसको क्या समस्या है, उसको जानने के बाद ही हम उसको पढ़ाना शुरू करें। फिर है बालक जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार के अधिगम सामग्री प्रदान की जाए, यानी कि जिस गति से बच्चा सीख रहा है हम उसी गति से उसको पढ़ाएं या सिखाएं। इसके बाद है विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं से मिलती जुलती दें, ताकि बालक रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करे, यानी कि बच्चे की रुचि को ध्यान में रख करके, उसके जो हॉबीज हैं उसको ध्यान में रख करके ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। और ये आपको पता ही है, बाल विकास में आप पढ़ ही रहे हो कि बच्चों की रुचियों के अनुसार ही हमें उन्हें पढ़ाना है। फिर है विशिष्ट बालक जैसे मानसिक मंदी, श्रवण बाधित तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन बालकों का को यहाँ पर उपयुक्त शिक्षण सामग्री की सहायता से शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है या शिक्षा कार्य प्रदान किया जाता है। परंतु यहाँ समस्या आती है कि जब बालक के अभिभावक इतने सामर्थ्यशील नहीं होते हैं कि वह इन उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग कर पाए, वह बालकों को इन संस्थाओं तक भेज पाए, अतः अभिभावकों को उत्तम प्रयास करने चाहिए। साथ ही यह शिक्षण संस्थाएं सस्ती व उत्तम शिक्षा प्रदान करें तो बाधित बालक इसका लाभ उठा पाएंगे या उठा सकते हैं। फिर है शारीरिक व मानसिक बाधित बालकों की शिक्षा की दिशा में विद्यालयों के द्वारा नए प्रयास करना, यह एक उत्तम धारणा है। इसमें बाधित बालकों को उनके विद्यालय में तथा सामान्य बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। इस बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कहा गया है कि जहां तक संभव होगा आंशिक रूप से बाधित बालकों
वह हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा के समान ही हो। जहां तक हो संभव होगा गंभीर रूप से बाधित बालकों के लिए विशिष्ट जिला शिक्षा मुख्यालयों में विशिष्ट शिक्षा व आवासीय संस्थाओं की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक संभव स्थिति में गंभीर रूप से बाधित बालकों की शिक्षा को प्रेरित किया जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए कहा गया है, अगर आंशिक रूप से कोई बच्चा, जैसे कि कोई बच्चा है जिसको कुछ कम दिखाई देता है लेकिन थोड़ा कम दिखाई देता है, सुनाई देता है लेकिन थोड़ा कम सुनाई देता है, बोल पाता है लेकिन थोड़ा सा आवाज में भारीपन, या कुछ थोड़ा सा बच्चा तुतला कर बोलता है या हकला कर बोलता है, तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल सामान्य बच्चों के साथ हम बैठा करके पढ़ा सकते हैं, या ऐसे बच्चा जिसके हाथ पैर नहीं है तो ऐसे बच्चों को भी हम पढ़ा सकते हैं कक्षा में। ठीक है, जो आंशिक रूप से विशिष्ट बालक है तो ऐसे बच्चों को हम बिल्कुल पढ़ा सकते हैं कक्षा में बैठा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो गंभीर रूप से बाधित बालक है उनको पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे बालकों को हम विशिष्ट जिला शिक्षा मुख्यालयों में विशिष्ट शिक्षा व आवासीय संस्थाओं में ले जा करके उनको हम वहां पर डाल देते हैं, जिससे वो बच्चे वहां पर अच्छे से सीख पाए जहां उन्हीं के जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। फिर है भारत सरकार के द्वारा इन बालकों हेतु मुफ्त पुस्तक वितरण, शिक्षा भत्तों का तथा छात्रवृत्ति व भत्ते वितरण का प्रावधान रखा जाना चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि दोनों स्तर के बालक इनका लाभ उठा सके। सरकार द्वारा इनके लिए राष्ट्रीय प्रतिभावान विद्यालय NTSC संस्थाओं का भी विकास किया जाए। बालकों को औपचारिक शिक्षा से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र ECEC या बालवाड़ी तथा आंगनवाड़ी आदि में शिक्षा दिलवानी चाहिए। बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षण व अनुदेशन सामग्री परंपरा अनुसार साधन तथा शिक्षण सहायता देना, यह कार्य भी भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार और इनकी पहचान एवं विशेषताएं, ठीक है, टाइप्स आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो विशिष्ट बालक की आम अवधारणा यह है कि वे सामान्य होते हुए भी प्रायः असामान्य गुणों से युक्त होता है। व्यक्तिगत भिन्नता ही विशिष्टता का आधार है। मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि कोई भी दो बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें समानता के साथ साथ कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, उन्हें अन्य बालकों से अलग, जो उन्हें अन्य बालकों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। एक बालक शारीरिक रूप से समान होने पर भी मानसिक रूप से क्या होता है, भिन्न हो सकता है। ठीक है, दो बालकों की अगर आप तुलना करोगे तो भले देखने में एक जैसे उनका शरीर है या एक जैसी लंबाई है, लेकिन उनके जो मानसिक उनकी जो सोच होगी वो जरूर कुछ ना कुछ अलग होगी। अब देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार, कौन कौन से बालकों के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है, अब ये आपको जानना यहाँ बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों के प्रकारों में ही आप आते हैं। देख लीजिए आप, यही बार बार एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो जो सामान्य वाला ऑप्शन रहेगा, सामान्य बालक विशिष्ट बालकों में नहीं आते हैं, और वही ऑप्शन आप सही लगाओगे। तो प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, यानी कि जो थोड़ा सा जो जिनकी सोचने समझने की क्षमता जिन बच्चों की थोड़ी कम होती है, फिर है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, फिर है शारीरिक विकलांग बालक, फिर है अपवंचित वर्ग के बालक, इसके बाद समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, खिलाड़ी बालक, अधिगम निरोग्य बालक, कुसमायोजित बालक। ये सारे के सारे 11 पॉइंट हैं, 11 के 11 को आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर दो पॉइंट्स और हैं, तिरस्कृत बालक और सुविधा वर्वोचित बालक। ठीक है, तो ये 13 यहाँ पर हैं, 13 के 13 आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन सभी की पहचान कैसे करेंगे और इनकी पढ़ाई की व्यवस्था, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, यही दोनों प्रश्न आते हैं इन सभी बालकों से। तो अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टारगेट UP TET CTET को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर आपको पता ही है, 7705-9545-49। अगर आपको आपको थर्ड सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, या सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, तो ये सब आपको हमारे चैनल टारगेट UP TET CTET पर आप कांटेक्ट करोगे। इस नंबर पर तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैंने बार बार आपसे कहा है
कि यहाँ पर मैं पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है दोस्तों, लेकिन ऑलरेडी आपको सारे के सारे विषयों को हाथों से लिख करके हैंड रिटन नोट्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और हाथों से लिखे हुए नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, और यहाँ पर भी मैं अच्छे से ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर ये नई क्लासेस है और वो सब रिकॉर्डेड है और बहुत अच्छे से उनको भी पढ़ाया, क्योंकि कोर्स में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 100% कोर्स वही है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको अगर लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो लिखे हुए क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो दोस्तों, और बहुत अच्छे से मैंने उनको भी पढ़ाया है, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, आपको सारे विषयों के नोट्स भी मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आप सभी का चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।